ऑलरेडी एज यू नो आई ट्रैवल अ लॉट ऑलरेडी एज यू नो आई ट्रैवल अ लॉट शोज बहुत होते हैं अभी इतनी सारी वेडिंग्स हैं, कॉर्पोरेट हैं, कॉलेजेस हैं. मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं उसमें, मैं अभी ज्यादा नहीं बता पाऊँ कि एक ही रिवील हुई है. आई थिंक दिया जा रही है और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं. ऑल द बेस्ट. बढ़िया सा शो है तो वो करेंगे. और कहना बढ़िया सा शो है बताओ. अभी मूवी आ रही है ना भाई, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन भी आ रही है. यस यस. लेकिन सर उसको बैन करने के लिए बोल रहे सब लोग, बॉयकॉट करने बोल रहे दोनों पिक्चर को. किसको? लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को. क्यों? पता नहीं, कुछ पुराने इंटरव्यूज को लेते भाई. अभी ऐसा है कि लोगों को बस मुद्दे चाहिए होते हैं, पुराने गड़े हुए मुर्दे जो कहते हैं ना, पढ़ के लाओ. पता है जिस तरह का टाइम है, जितना खुश रहो उतना बेटर यार. उसने को ये निकाल, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था. ये तो हर इंसान का ना मूड हर बार सही नहीं होता, तो हर इंसान से गलतियाँ होती हैं. ऐसा इंसान तो है नहीं कि ऊपर यार गलती करी. तो आई थिंक थोड़ा सा वो गलत लगता है मुझे, बिकॉज क्या एक फिल्म बनाने के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. वो आमिर सर हों, अक्षय सर हों, दे ऑल वर्क सो हार्ड. और हम ऐसे ही बोलते हैं कि बैन करते हैं कि आएंगे नहीं, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे. एंड देयर इज सो मच नेगेटिविटी. कल मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था कि एक सिंगर जो है बांग्लादेश में, उसको अरेस्ट किया था क्योंकि वो बेसुरा गाता है. मैं चाहता हूँ मुंबई पुलिस भी ऐसा कुछ बहुत जल्दी करे कि जितने बेसुरे गा रहे हैं. चलो बाय. चलो बाय बाय.